कोई भी बच्चा अगर MCA करने का सोचता है तो यार वो सबसे पहले निमसेंट के बारे में ही सोचता है कि हमें निमसेंट क्रैक करना है कैसे भी करके किसी भी तरह। वो साल भर अपना स्ट्रेटेजी बनाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर साल भर के बाद जाके एग्जाम क्रैक करता है और फिर एक वो अच्छे NITs में पहुंचता है। तो निमसेंट 2022 का एग्जाम खत्म हो चुका है और इसका आंसर की भी आ चुका है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं देखा है, अपना नंबर कैलकुलेट नहीं किया है, तो यार सबसे पहले जाके अपना नंबर कैलकुलेट करो और आपको जो जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस लगते हैं वो आप जरूर NIT को चैलेंज करो कि ये क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग है। तो आप चैलेंजेस कर सकते हो, करना ही चाहिए। तो अगर वो आपका चैलेंजेस सही रहा तो वो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, और जो आपका मार्क्स बढ़ेगा तो आपको रैंक में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी NIT को ग्रैब करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगी। तो अगर आपके हिसाब से जो भी चैलेंजेस क्वेश्चंस है तो यार जरूर से जरूर जाके चैलेंज करो अपने क्वेश्चंस को। तो यार आज की वीडियो में तो यार अभी सारा चीज हो चुका है, एग्जाम हो गया, आंसर की आ गया। तो इस समय इस टाइम पे हमारे तीन तरह के स्टूडेंट होंगे, अभी तीन तरह के स्टूडेंट फेस कर रहे होंगे, परेशानियां बोल दो या फिर और कुछ बोल दो, अब तीन तरह के स्टूडेंट हमारे करंट में हैं। पहला, जिनका तो फिक्स ही है कि आपका कौन सा NITs मिलने वाला है, टॉप के 2, 3, 4 NITs जो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक हमारे कैटेगरीज में फर्स्ट नंबर पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो कोई टेंशन है नहीं, जिनका 700 नंबर है, 600 नंबर है, एवब 600 है, 700, 800 नंबर है, तो उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, उनको तो एक अच्छा खासा जो है NIT मिलने वाला ही है। आपने इन्होंने जो साल भर मेहनत किया था उसका फल सामने रखा हुआ है, बस अब उसको खाना है। तो 5 तारीख को खाने को भी मिल जाएगा, तो उनके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और फिर हमारे दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जो बीच में लटके हुए, मतलब बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो जिनकी जो हमारे 500 नंबर है, 520 नंबर है, 480 नंबर है, ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे लोगों का टेंशन लेना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जो टेंशन ये है कि उन्हें NITs मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कौन सा NITs मिलेगी, कितने रैंक आएंगे, ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हैं उनके मन में। तो यार ये सब सारे क्वेश्चंस का जो आंसर तो हम तो अभी दे नहीं सकते हैं, ये तो सारे 5 तारीख को आपको क्लियर हो ही जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज में दी गए कि इतनी रैंक पे ये कॉलेज मिलने वाले हैं, इतने कट ऑफ जाएंगे, इतने ये जाएंगे, इतने वो जाएंगे, तो ये सब तो आपको पता हो ही गया होगा, कितने जो है अप्रोक्स आप भी अंदाजा लगा ही लिए होगे इस बार का पेपर को देखते हुए कि इस बार कितना इजी पेपर आया था NIT जमशेदपुर ने जो है इस बार कंडक्ट करवाया था NIMSET 2022 को, तो किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिले थे उस हिसाब से कट ऑफ तो हाई जाने वाला है ही है। तो कितना आपने एक अप्रोक्सीमेशन तो लगा ही लिया होगा, तो उस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो यार फिर हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं जो 300 या 200 नंबर है, जो पूरा आशा छोड़ चुके हैं कि हमें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, हमने इस बार का पेपर खराब कर दिया है। तो यार ऐसे लोग हैं तो ये तो आप ड्रॉप लोन लेना है नहीं लेना, ये तो आगे वाली आने वाले बात हो जाएगी, मतलब ये आप पे अप टू यू है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। हमारा काम ये है कि जो बच्चे निराश बैठे हुए हैं, जो बच्चे टेंशन लिए हुए हैं 20 तारीख के बाद कि हमने साल भर मेहनत की है फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो यार ऐसे एक संख्या भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों 700 या 800 तो सीट ही है, 800 कुछ सीट्स है NITs में, तो सबको NIT कॉलेज तो नहीं मिल सकता है। और फॉर्म फिल होते हैं कितना, 50,000-60,000 बच्चा फॉर्म फिल करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि मात्र 1,000 सीट है, तो सारे को NITs तो मिल ही नहीं सकता, 1,000 बच्चे ही खुश होंगे, बाकी तो निराश ही होंगे। तो यार निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ता कभी भी ब्लॉक नहीं होता है, हम मंजिल की और अगर आप चाह लो कि हमें इस मंजिल को पाना है, तो यार कोई भी रास्ता आपको ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई भी ठोकर आपको रोक नहीं सकती है, कोई भी जो है बड़ा सा पत्थर आपको गिरा नहीं सकती है। तो दोस्तों आपके लिए रास्ता बहुत सारे खुले हुए हैं, एक ब्लॉक हुआ तो इधर से निकल जाना, ये ब्लॉक हो जाएगा तो इधर से निकल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यार अभी बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं, मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम बाकी है, अच्छे लेवल के एग्जाम बाकी हैं, आप उन्हें दो, आप उसे फोड़ सकते हो और अच्छी खासी प्लेसमेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें प्लेसमेंट ही देखना है। तो आप अगर एक अच्छे NITs में चले जाते हो और वहां पे आप पूरा गुड़ ओवर कर देते हो, नहीं पढ़ते हो या कुछ होता है, तो आपको वहां पे भी प्लेसमेंट तो NIT वाले पड़ोस के नहीं दे देंगे सामने, तो आप वहां से भी प्लेसमेंट अच्छी
खासी नहीं उठा सकती हूँ। हाँ, वहाँ पे NITs में एक आपको बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा, बेहतर दोस्त मिलेंगे, बेहतर कोडिंग इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर फैकल्टी सारे अच्छे मिलेंगे मैं मानता हूँ, लेकिन सबको NITs तो नहीं ही मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखना होगा, और अब निराश होने से अच्छा है कि जो जो एग्ज़ाम बाकी है, जो जो MCA एग्ज़ाम बाकी है, उस पर आप फोकस करो और फिर उसे फोड़ने की कोशिश करो। तो यार मैं बता दूं कि अभी जो करंट एग्ज़ाम आने वाले हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया का है, तो ये 3 तारीख को होने वाला है दोस्तों। तो जो जो बच्चे इससे भरे हैं तो आप इस पर ज़रूर से ज़रूर फोकस करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी कॉलेज है और अफोर्डेबल कॉलेज है। अगर आपके आपका आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तब तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी कॉलेज है। तो जामिया पे हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप जामिया से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो यार वो वीडियो जाके जरूर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसे जाके जरूर से जरूर देखना। फिर हमारे पास है महाराष्ट्र CET का एग्जाम बाकी है, दिल्ली का एग्जाम बाकी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, फिर CUET जो मेन है CUET का वो एग्जाम अभी होने वाला है, कि उसमें से दोस्तों आपको क्या कितना बड़ा बड़ा न्यूज आ रहा होगा उससे निकल करके, क्योंकि जब ये CUET PG कोर्सेज के लिए लॉन्च हुआ था तो सिर्फ हमारे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही इंक्लूड थे, और अभी के समय में इसमें और जुड़ गई हैं, तो टोटल 65 से 66 यूनिवर्सिटीज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जुड़ चुकी है CUET के अंदर, और वो भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेज है उसमें। तो यार अगर आप CUET में अच्छे स्कोर लाते हो तो आपको बेहतरीन कॉलेज से MCA करने को मौका मिलेगा, टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MCA करने को मौका मिलेगा। तो यार आप NIMCENT का जो हुआ सो हुआ, आप उसे भूल जाओ और CUET पे फोकस करो, और जो और एग्जाम आने वाले हैं उस पर फोकस करो। तो यार आज की वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था कि NIMCENT का एग्जाम तो हो ही गया है, और जो जो बच्चे निराश हो रहे हैं तो उनको एक सही गाइडेंस करना था कि आपको निराश नहीं होना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, और कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं उसको उस पर फोकस करना है और उसको देना है, और अच्छे से एग्जाम उसको लिखना है, और फिर अच्छे से MCA करना है, तो फिर एक अच्छी खासी प्लेसमेंट ग्रैब करना है हमें। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आने वाले और कौन कौन से MCA एग्जाम्स होने हैं इस पे हमने ढेरों सारी वीडियो बना रखी है, तो आप उसे जाके देख सकते हो कौन कौन से MCA एग्जाम का एंट्रेंसेस एग्जाम आने वाले हैं, किसका इसका डेट पार हो चुका है, फॉर्म का तो लगभग सारे का फिल होना बंद ही हो गया, सिर्फ CUET का डेट एक्सटेंड हुआ था, तो 4 या 5 जुलाई तक है इसका। तो अगर आपने ये फिल नहीं किया तो यार जाके जरूर से फिल करो। तो ये CUET का ही अभी बाकी है रजिस्ट्रेशन, बाकी तो सारे का खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। तो आपने जो जो भरा होगा पहले ही भर दिए होंगे सारे एग्जामिनेशन का फॉर्म, तो आप सिर्फ आपको अब तैयारी करना है, आपको पढ़ना है और आपको एग्जाम को फोड़ना है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, और हाँ निराश नहीं होना है, आपको आने वाले एग्जाम पे फोकस करना है। थैंक यू।